नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले, आंसर सहित हम बात करेंगे। 3 घंटे का एग्जाम और अधिकतम अंक 100 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड आपका मैक्सिमम अंक 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड के प्रथम संविधान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। दूसरा क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन संविधान में कब बना बताइए? 1215 के अंदर बना था ये। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन में लोकतंत्र व राजतंत्र में से क्या पाया जाता है? उत्तर सहित बताना होगा। 3 नंबर में क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा और राज मुकुट में दो अंतर बताना है, राजा और राज मुकुट में दो अंतर बताएंगे। तो पहले लिखेंगे, राजा व्यक्तिगत कार्यपालक है जबकि राज मुकुट सामूहिक कार्यकारिणी है। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राजा एक व्यक्ति होता है जबकि राज मुकुट एक संस्था है। पांचवा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? उत्तर सही देना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं बताना होगा? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल? 50 राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस अमेरिका का संविधान किसने लिखा? ये आपका 7 है, तो 7 में आएगा जेम्स मेंडिसन ने लिखा था। 8 नंबर में स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो क्या लिखें? यह संघीय कानून पर संवैधानिक आपत्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। 9वां क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जापानी भाषा लिख सकते हैं या निहोंगो आ सकता है इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन आता है, चीन के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 138 अनुच्छेद है। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट सेकंड के अंदर दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटेन की संविधानिक पद्धति में राजा की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3रा क्वेश्चन आता है, अमेरिकी संविधान के किन्हीं 2 संघात्मक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। जापान के सम्राट की कार्य प्रमुख कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताइए। स्वीस संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताया। उसके बाद में आता है पार्ट थर्ड के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर है और यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, इसमें पूछा है ब्रिटिश संसद की शक्ति और कार्यों का परीक्षण कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति का परीक्षण कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 9th क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है अमेरिका की सीनेट के कार्यों और शक्तियों का परीक्षण। चीन गणराज्य में नागरिकों के मूल कर्तव्य अधिकारों का मूल्यांकन कीजिए। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 200 पेपर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी यूनिवर्सिटीज में पेपर बहुत काम आने वाला रहेगा। धन्यवाद।